नो डाउट राजस्थान की सरकार और तमाम प्रदेश के लोगों को संत विजयदास के निधन का बहुत दुख है। संत विजयदास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनका संघर्ष हमेशा अमर हो गया, क्योंकि वो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा, उसमें जो अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर आज से नहीं वर्षों से लड़ रहे थे। पिछले 20-25 साल से इनका संघर्ष चल रहा था, और इस बार एक संत जब टावर पर चढ़ गए उसके बाद उन्होंने अपने आप को आग लगा ली, आत्महत्या की कोशिश की, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान की सरकार ने पूरी कोशिश की और उनको दिल्ली तक भेजा, इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद जो मैंने संतों के स्टेटमेंट सुने उसके बाद लिखित में समझौता, वहाँ पूरा खनन बंद कर दिया गया, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि खनन बंद होने में ना बीजेपी की सरकार खनन बंद कर पाई, इसमें वो तब भी आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खनन बंद ही नहीं कर पाए। और इस बार हमने, हमारे मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहाँ गए थे, उनके समझौता भी हुआ, उस दौरान ये तय हो गया था कि खनन बंद होगा। उसके बाद संत नाराज हुए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, आज हमारे बीच में नहीं रहे। अब खनन वहाँ बंद हो गया, और अवैध खनन बंद करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। इस सारे मामले में मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आगे बढ़कर पहल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील है, उन्होंने तुरंत, इस बार मैं इतना कह सकता हूँ, 3.5 वर्षों में अवैध खनन के खिलाफ इतनी कार्रवाई जबरदस्त हुई है, इसके बावजूद खनन हो रहा है। बहुत जगह MP में इस तरह की घटनाएं हुई है, अदर स्टेट में जहाँ पुलिस वालों को कुचल कर मार दिया, यहाँ पे भी घटनाएं बढ़ी है। अवैध खनन माफिया जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है, और वो कार्रवाई लगातार जारी है। सर भाई, इसको लेकर वाजिब अली का कहना है कि ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायक की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं सर। नो डाउट, यदि हमारे किसी विधायक ने ये सवाल उठाए हैं, और वो वाजिद अली हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनके जो बातें वो उसी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक फेलियर है, तो उस सारे मामले की जाँच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर मैं भी बात करूँगा, MLA साहब से भी बात करेंगे, कहीं प्रशासनिक फेलियर है, और हमारा विधायक यदि कह रहा है उसकी बात को सम्मान देना, और प्रशासनिक यदि कहीं फेलियर तो वहाँ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी हो करें। भाई भाजपा का ये भी आरोप है कि जो जिस प्रकार सरकारी संकट में थी तो बहुत रेवड़ियाँ बांटी, उनमें ये भी रेवड़ी बांटी, कई विधायकों को अवैध खनन के पट्टे तक दे दिए सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है, अपराध बोध से ग्रस्त है और इतने पापी हैं। संत के जो उनकी डेथ हुई उसका बहुत दुख है सबको, अवैध खनन रुकना चाहिए, वो हमने रोक दिया। बीजेपी के लोगों के साथ ये दिक्कत है कि आटा दाल चावल इस पर टैक्स लग रहे, वो लग गया, भूख से लोग मर रहे हैं, छाछ दही पर लग गया, मुरमुरे पर लग गया, सूजी मैदा पर लग गया, आटे पर टैक्स लगा दिया। जो बीजेपी आटा छीन रही है, ये पापी लोग जो लोगों का निवाला छीन रहे हैं, उनको बोलने का हक ही नहीं है। ना तो ये राम के सगे हैं, ना कृष्ण के सगे हैं, ये तो वोट के सगे हैं, बेईमान हैं ये लोग। और जितनी राजनीति दंगी करते हैं देश में, प्रदेश में दंगे कराना, राजनीति करना, ओछी भाषा का प्रयोग करना, जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, वो भाषा गलत है। और मैं इतना कह सकता हूँ, संत के निधन का हमें बहुत दुख है, और जो भी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कार्रवाई